अस्सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर वैश्य टेक्निकल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी को भी कॉल करना चाह रहे हैं तो दोस्तों आप ये चाहते हैं कि मेरा नंबर उसके पास ना जाए तो ये किस तरह ये ट्रिक किस तरह यूज़ करते हैं, इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं, आइए जानते हैं आज की वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों इसको जानने के लिए आपने क्या करना है, मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी है। अगर आपने वीडियो मेरी लास्ट तक नहीं देखते तो आपको इसमें कुछ समझने वाला नहीं आता। इसमें कुछ ट्रिक्स हैं, कोड है जो आपको बता रहा हूँ और प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा अभी करके, ठीक है, कोड भी बताता हूँ, ठीक है। दोस्तों आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, पहले बता रहा हूँ। अगर आप लास्ट तक वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, फिर आपने कहेंगे कि भाई हमें कुछ समझ नहीं आई, फेक वीडियो इस तरह के कमेंट करेंगे। पहली बात बता रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम अपनी वीडियो की टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कॉलर आई डी को आप हमने करना है ब्लॉक, इसके लिए हमें एक चाहिए होता है कोड, जो मैं आपको अभी कोड बता रहा हूँ, वो आपने कोड डायल करना है, ठीक है दोस्तों। तो कोड कौन सा है वो हम जान लेते हैं, चलिए। तो दोस्तों यहाँ पर अपने मैं फ़ोन में आ जाता हूँ, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अब हम कोड डायल करने वाले हैं, वो वाला जो कोड हम लगाना चाहते हैं। क्या इस कोड आपने क्या करना है, हैश क्लिक करना है, फिर आपने तीन क्लिक करना है, फिर आपने तीन वन क्लिक कर देना है, फिर आपने हैश क्लिक कर देना है। ये है कोड, आपने अपनी सिम पर एक्टिव कर देना है। ये देखिए मैंने एक्टिव कर दिया, जो मेरी कॉलर आईडी है ये डिसेबल्ड हो चुकी है, ठीक है, ओके, ये ब्लॉक हो चुकी है। अब इसे सेट करने के लिए *33 दोबारा फिर डायल कर देना है, फिर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये देखें और अनेबल्ड ये हो गई, अनेबल्ड हो गई है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से आप जब भी किसी को कॉल करेंगे दोस्तों तो आपका नंबर नहीं शो होगा, किसी और कंट्री का नंबर शो हो जाएगा। तो इस तरह आप अपना नंबर किसी को भी कॉल करेंगे तो उसका नंबर आपके पास नंबर नहीं जाएगा, किसी और नंबर से आपकी कॉल जाएगी। तो कैसी लगी आज की ट्रिक्स फ्रेंड्स, अगर ये ट्रिक्स आपको अच्छी लगी है तो यार आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, किसी दूसरी वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।